शांति कुंड रचाया, शांति सागर शांति का संसार रचाने आया, शांति सागर शांति का संसार रचाने आया। शांति के वाइब्रेशन फैलते रहें, किरणें हम पर उतरती रहें और हमारे द्वारा चारों ओर फैलती रहें। शांति सागर की संतान मैं शांति दूत हूँ, पीस मैसेंजर, आई एम पीस, स्प्रेडिंग पीस। मन गहरा शांत है, चुप है, शांति सागर को देखता है, शांति अंदर समाता है। इंद्रियों का कोई खिंचाव नहीं, मन ज्योति स्वरूप पर एकाग्र है और अपने ज्योति स्वरूप के अंदर की गहरी शांति एहसास में है। मेरा शांति का सागर पिता इस समय केवल मुझे देख रहा है, मेरे अंदर गहरा सुकून, धीरज, संतुष्टि भरती जा रही है। उस एक पर मन की आंख टिकते ही अंदर चैन आता है, आराम मिलता है, सब जन्मों की थकान उतरती है। फीलिंग आ रही है, पाना था सो पा लिया, अब केवल चारों ओर शांति का करंट फैलाते जाना है। मुझसे किरणें निकल निकल कर लाखों माइल दूर तक भी जा रही हैं। किरणें फैलने दें, शांति।
स्वच्छता ही सेवा है, गंदगी जानलेवा है। हर शहर का है ये सपना, स्वच्छ हो
संपूर्ण भारत अपना। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, सत श्री अकाल। मैं अंशु चांदना, नगर निगम चंडीगढ़ की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ब्रह्म कुमारी बहनों भाइयों ने अभी क्लीन इंडिया मिशन के तहत पीस मार्च द्वारा पूरे 17 सेक्टर में बहुत ही शांतिपूर्ण संदेश देकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इसके लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय महापौर श्रीमती सरबजीत कौर जी यहाँ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसकी गरिमा को बढ़ाने के लिए। साथ ही स्वागत है हमारे मल्टी टैलेंटेड यंग डायनामिक एरिया काउंसलर श्री सौरभ जोशी जी का, जोरदार तालियों के साथ। हमारे नगर निगम की मुखी बहुमुखी प्रतिभा की धनी परम आदरणीय आयुक्त महोदया श्रीमती अनिंदिता मित्रा जी का बहुत बहुत स्वागत। चीफ इंजीनियर सर श्री एनपी शर्मा जी का, जो बहुत ही सुलझी और शांत प्रवृत्ति के धनी हैं। ये हमारे लिए आज बहुत बड़े गौरव की बात है कि ब्रह्मा कुमारीज की जोनल हेड उत्तरा दीदी हमारे बीच आज उपस्थित हैं, जो कि पिछले 65 वर्षों से ब्रह्म कुमारी मिशन के साथ जुड़ी हैं और अपना सारा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर रही हैं। उत्तरा जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत अभिनंदन ब्रह्मा कुमारी मिशन से करीब 35 वर्षों से जुड़े सीनियर राज योगा टीचर्स अनीता दीदी और कविता दीदी के लिए। साथ ही अभिनंदन नेहा दीदी का, जो मिशन के समस्त भाई बहनों का, यहाँ पर मौजूद नगर निगम के सभी कर्मियों का और यहाँ उपस्थित चंडीगढ़ की जनता का। महात्मा गांधी जी ने कहा था, When there is inner and outer cleanliness, it approaches godliness. सच में स्वच्छता भक्ति से बढ़कर है, और यूं कहूं तो स्वच्छता सुंदरता से भी ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छता प्रतीक है सफलता का। यदि आपका मन, आपका तन, आपकी सोच ही स्वच्छ नहीं होगी, तो आप अपनी सराउंडिंग्स को भी स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। स्वच्छ वातावरण का होना उसी तरह से स्वच्छ मन के लिए भी बहुत लाजमी है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पूरे देश भर में 2014 से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई है। ये भारत सरकार की सराहनीय कोशिश और हम नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत अभियान का ही एक ज़रूरी हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है जन भागीदारी को बढ़ावा देना, स्वच्छता से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटी को बढ़ाना और नागरिकों को इसके बारे में जागरूकता फैलाना। देश की प्रगति के लिए ये सर्वेक्षण अति आवश्यक है। स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छता के मापदंड के अनुसार शहर की प्रगति एवं रैंकिंग की जाती है। स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा में चंडीगढ़ 2018 में तीसरे स्थान पर था और पिछले साल 66वें स्थान पर आ गया। ये हम चंडीगढ़ वासियों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, और जब नगर निगम ने इसका विश्लेषण किया तो पाया कि हम सबसे ज़्यादा पीछे रहे हैं तो सिटीज़न फीडबैक में। नगर निगम प्रयासबद्ध है चंडीगढ़ को स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा में आगे लाने के लिए, लेकिन ये संभव सिर्फ तभी होगा जब ये सभी नागरिकों का हमें सहयोग मिलेगा। जनता के सहयोग और भागीदारी से सतत परिवर्तन होता है। मेरा प्रण, चंडीगढ़ बनेगा नंबर वन। जोरदार तालियां इस सकारात्मक सोच के लिए। इसी सोच के साथ अब स्वच्छता एंथम सुनेंगे। आप सभी के सामने लेकर आएंगे हमारे ब्रह्म कुमार श्री अर्जुन भाई जी, जो कि आपके मिशन से जुड़े हैं, एमटेक के स्टूडेंट हैं, ब्रह्म कुमारी मिशन के साथ जुड़ते हुए समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य भी करते हैं। एक्चुअली स्वच्छता एंथम भी हमारे फीडबैक का एक ज़रूरी हिस्सा है। सिटीज़न फीडबैक के माध्यम से आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको स्वच्छता एंथम कभी आपने सुना है या नहीं। तो चलिए स्वच्छता एंथम का नज़ारा लीजिए, उसको मंत्रमुग्ध होकर सुनिए भाई अर्जुन जी के माध्यम से।
ओम शांति. अंधेरा चीर के सूरज निकला, एक नया नया सा सवेरा मन के दर्पण में स्वच्छ दिखे मेरे नए से भारत का चेहरा. धड़क धड़क के हर दिल बोले मेरा बदले देश ये चाहत थी. धड़कन धड़कन की ताल मिली तो बदली पुरानी आदत थी. मेरी धड़कन तेरी धड़कन हर धड़कन है स्वच्छ भारत की. हर धड़कन है स्वच्छ भारत की. हमने जब से संकल्प किया हर कदम कठोर जतन किया स्वच्छता का सच्चा अर्थ समझ साकार मुश्किल सपना किया. मेरी धड़कन तेरी धड़कन हर धड़कन है स्वच्छ भारत की. हर धड़कन है स्वच्छ भारत की. हर धड़कन है स्वच्छ भारत की. बहुत बहुत धन्यवाद. जोरदार तालियां अर्जुन भाई की परफॉर्मेंस के लिए. मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का नगर निगम को सहयोग मिलता रहता है, उनके प्रतिनिधि हमारे बीच आए हैं. आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं. स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा में चंडीगढ़ को आगे लाने के लिए नगर निगम ने बहुत सारी नई कोशिशें और पहल की है. मेरा नम्र निवेदन है हमारी आदरणीय कमिश्नर मैम श्रीमती आनंदिता मित्रा जी से कि वे मंच पर आएं और शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें. मैम आनंदिता मित्रा जी. ब्रह्म कुमारी संस्था से आए हुए दीदी, आपका यहाँ आने पे बहुत बहुत स्वागत है. सारे मेंबर्स इस संस्था के सेक्टर 17 के जो शॉपकीपर्स हैं, अतः यहाँ पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको कॉरपोरेशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं. आप सोच रहे होंगे कि इस कार्यक्रम का क्या मकसद है. कुछ दिन पहले संस्था से दीदी मेरे पास आए थे और वो लोगों के बीच में इनर स्वच्छता की बात लेके जाना चाहते थे, मैसेज लेके जाना चाहते थे कि हम इंसान अंदर से स्वच्छ कैसे बने. फिर हमने ये सोचा कि अंदर से अगर हम सच बनते हैं, बिल्कुल हमें सबको बनने की बहुत ज़रूरत है, तो हमें साथ में ये भी ज़रूरी है कि हम अपने आसपास को कैसे स्वच्छ रखते हैं. बाहरी स्वच्छता जो है उसके बारे में भी एक चर्चा जो है वो शुरू करें. तो इस चर्चा को शुरू करने के लिए हम दोनों संस्थाएं, ब्रह्म कुमारी संस्था और नगर निगम चंडीगढ़, हम दोनों साथ आए. आज हमारी बहनों ने हर एक दुकान में जाके इनर क्लीनलीनेस एंड आउटर क्लीनलीनेस की बात की. ये पहल क्यों की जा रही है? हम सब जानते हैं कि शहर में स्वच्छता मेंटेन करना, शहर को साफ दिखाना, रखना, दिखाना नहीं रखना, शहर में जितना कूड़ा आ रहा है उसको सही ढंग से प्रोसेस करना, ये सब कॉरपोरेशन का काम है.
बिल्कुल कॉरपोरेशन का काम है, लेकिन जितना ये कॉरपोरेशन का काम है उतना ही ये हमारे सिटीजन्स का भी काम है। सो हम ये सारे जो एफर्ट्स कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो सिटीज़न हैं वो हमारे साथ जुड़े एज अ पार्टनर, जैसे आज ब्रह्म कुमारी संस्था हमारे साथ जुड़ी है एज आवर स्वच्छता पार्टनर, वैसे ही चंडीगढ़ का हर वासी हमारे साथ जुड़े एज आवर स्वच्छता पार्टनर्स। अभी अभी कल रात को ही 10-11 बजे मैं और मेरी टीम इंदौर से वापस आए। इंदौर को नेशनल लेवल पे सबसे साफ शहर माना गया है। हम यहाँ पे बैठ के कई बार सोचते हैं पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट फिल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हर बार फर्स्ट आ जाते हैं। तो हम खुद गए वहाँ देखने के लिए कि वाकई ज़मीनी हकीकत क्या है। जब हम वहाँ गए तो हम ज़मीनी हकीकत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और बहुत ज़्यादा हमने अपनी कमियों को महसूस किया। हमारी सबसे बड़ी कमी है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा, कि सिटीज़न और कॉरपोरेशन और अलग अलग संस्थाओं के बीच में हमारी पार्टनरशिप नहीं है, जन भागीदारी नहीं है। हम उनके प्लांट में गए, प्लांट में जाके हमने देखा कि जो कूड़ा आ रहा है प्लांट में प्रोसेस करने के लिए, जो गीला कूड़ा आ रहा है, वो ऐसा दिखता है जैसे किचन में अभी अभी सब्जी काटी गई हो और उसको साइड में डाल दिया गया है, इतना साफ कूड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ इंदौर का हर निवासी अपना कूड़ा इस तरह सेपरेट करके देता है कि वो गीला कूड़ा ऐसे दिखता है जैसे किचन का फ्रेश वेस्ट है, उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत आसानी होती है उनको। फिर हम पूरा शहर दिन में 3 बार घूम के देखें, कोई वहाँ पे एक भी हमें छोटा सा भी डंप नहीं मिला। अब आप कहेंगे कि अगर कूड़े का डंप है तो वो साफ करना तो कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कूड़े का डंप क्यों है? जब हमारा गाड़ी रोज़ हरेक के घर में कूड़ा लेने के लिए जा रहा है, फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि दिन भर में हमें शहर में बार बार कूड़ा डालना पड़ता है? आपको पता है इंदौर का हर व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है, 4-व्हीलर चलाता है, उसने अपने गाड़ी में एक छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है। मेरी गाड़ी में भी है, पर चंडीगढ़ में हर एक की गाड़ी में नहीं है। हम चिप्स खाते हैं, चिप्स खा के उसको बाहर फेंक देते हैं, मूँगफली खाते हैं उसका छिलका बाहर फेंक देते हैं। इंदौर में ऐसा नहीं होता है, वो हर इंसान जो है, हर सिटीज़न जो है, अपने डस्टबिन उन्होंने रखे हुए हैं गाड़ी के अंदर और वो उसमें अपना कूड़ा डालते रहते हैं। फिर मैंने वहाँ पे ऐसे ही किसी से पूछ लिया, हमको वो बहुत जगह पे दुकानों में मार्केट प्लेसेस में लेके गए, तो उनको हमने पूछ लिया, मैंने पूछा कि मुझे ना ये सामान रखना है, थोड़ा सा मुझे एक प्लास्टिक का पैकेट देंगे, ये मिठाई का डब्बा है इसमें से थोड़ा सा निकल रहा है लिक्विड सा, तो मुझे एक प्लास्टिक का पैकेट देंगे। उनको नहीं पता था मैं चंडीगढ़ कॉरपोरेशन से हूँ। उन्होंने बोला सॉरी, हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं, हमारे शहर में आपको प्लास्टिक नहीं मिलेगा। हम फिर एक मार्केट में गए, वहाँ पे एक लेडी अपने बच्चे के साथ पानी पूरी खाने आए हुए थे, फिर उन्होंने वहाँ से पानी का बॉटल ख़रीदा, वो चलो वो तो प्लास्टिक का ही बॉटल था, उसका तो और कोई अभी सल्यूशन है नहीं, पानी पिलाया वो बॉटल पूरा ख़त्म हो गया। मैं देख रही थी उस लेडी को, फेंका नहीं उसने, उसने अपने बैग में उस खाली बॉटल को डाल दिया। ये छोटी छोटी सी दिनचर्या की चीज़ें हैं, अगर हम अपने व्यवहार में शामिल कर ले, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम ये अपने ज़िंदगी में शामिल कर लें तो कॉरपोरेशन आपका ज़िंदगी भर आभारी रहेगा कि आपने कॉरपोरेशन की बहुत बड़ी मदद की है चंडीगढ़ को स्वच्छ बनाने में और इस स्वच्छता की रैंकिंग में। रैंकिंग भी इम्पॉर्टेंट है,
लेकिन रैंकिंग के साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वाकई ही ये मान महसूस करें कि हम भी आगे आ सकते हैं, हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो मेरी दोबारा आप सबसे हाथ जोड़ के बेनती है कि स्वच्छता के इस कंपटीशन छोड़ दीजिए, स्वच्छता के इस सफ़र में आप सब लोग जैसे ब्रह्म कुमारी बहनें हमारा साथ दे रहे हैं, उसी तरह आप सभी लोग सिटीजन्स हमारा आगे आके हाथ बढ़ाए ताकि हम भी इस साल नहीं, अगले साल, अगले साल नहीं, उसके अगले साल चंडीगढ़ को उस शिखर पे देख सके जिस शिखर पे आज की डेट पे दूसरे शहर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, प्रेरणादायी शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करके आपका बहुत बहुत आभार। ब्रह्मा कुमारी मिशन समाज से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं, अभी तो स्वच्छता के प्रति जन जागरण के लिए भी सरकार को यह सहयोग देते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का मार्ग देश में स्वच्छता के स्थायी संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर बुलाने जा रही हूँ जोनल हेड ब्रह्मा कुमारी मिशन से उत्तरा दीदी को, जो 65 वर्षों से मिशन से जुड़ी हैं। कृपया यहाँ आकर हमारा शब्दों द्वारा मार्गदर्शन करें उत्तरा दीदी जी। ओम शांति, सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर विषय है स्वच्छ भारत, इसमें कोई संदेह नहीं, दूसरी राय नहीं कि भारत स्वच्छ था। ऐसा समय था, पूरा विश्व, भारत तो क्या, पूरा विश्व स्वच्छ था, हर नर नारी स्वच्छ था। स्वच्छता की शुरुआत व्यक्ति के मन से है, मन स्वच्छ होगा तो तन स्वच्छ रहेगा, तन स्वच्छ होगा तो जन स्वच्छ होगा, जन स्वच्छ बनेगा तो पूरा शहर, गांव, नगर, देश, विश्व स्वच्छ बन जाएगा। हम शुरू करें अपने मन से स्वच्छता की बात। हम देखते हैं राह चलते हुए कि किसी अड़ोस पड़ोस में बैठे व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से अपना पानी का बोतल फेंक दिया, कुछ खा पी के फेंक दिया, हम भी कॉपी कर लेते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करनी। तो जब हम ये बात मन में धारण करेंगे कि मन की स्वच्छता क्या है, मन की स्वच्छता है जिसमें किसी के प्रति भी नेगेटिव भावनाएं ना हों, बदले की भावनाएं ना हों, ईर्ष्या द्वेष ना हो, किसी को कष्ट पहुंचाने की भावना हो ना हो, धोखा, हेरा फेरी, ठगी चोरी, ये सब मन की भावने बन जाती हैं। ज़रूरत है अपने मन को शुद्ध करने की, वो कैसे होगा? हम सब इस बात के परिचित हैं, सब अनुभवी हैं कि जब हम सुबह उठते हैं अपने कार्यक्रम में शामिल होने से पहले हमारा मन सुबह से लेके रात तक सोने तक क्या क्या सोचता है। हमारे उस मन के अंदर नेगेटिव विचार ज़्यादा हैं या अच्छे विचार हैं, हम सोच सकते हैं। जवाब मिलेगा कि नेगेटिव विचार, व्यर्थ के विचार, बदले की भावनाएं, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की भावनाएं अधिकतर मिलेंगी। तो हमें चाहिए क्या कि हम अपने मन को स्वच्छ बनाते चलें। मन की स्वच्छता से हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, प्रभु पिता के साथ हमारा मन जुड़ सकेगा। अगर हमारे पास स्वच्छता नहीं होगी तो प्रभु स्मरण भी नहीं कर सकेंगे। तो हमें आवश्यकता है अपने मन को, अपने तन को, अपने घर को, अपने परिवार को, अड़ोस पड़ोस को स्वच्छ बनाने की। उसके लिए हमें पहल करनी है, शुरुआत करनी है कि मेरे मन के अंदर किसी के भी प्रति द्वेष की भावना ना हो। कभी ऐसा संसार था जिन देवी देवताओं को नमन करते हैं, पूजन करते हैं, उनके आगे आप देखते हैं झुक जाते हैं। हम कितने संपत्तिवान क्यों नहीं हैं, लेकिन उनके आगे हमारा माथा झुक जाता है। कारण
कि उनका मन भी स्वच्छ था, तन भी स्वच्छ था, उनका बिहेवियर भी स्वच्छ था, संबंध संपर्क सब कुछ अच्छे से था। तो ऐसा विश्व कैसे बन सकता है, ऐसा भारत कैसे बन सकता है, बहुत सुंदर आशा है मोदी जी की, तो अवश्य बनेगा। हम सब मिलके जब काम करेंगे तो ये भारत पूरा विश्व स्वच्छ बन जाएगा। जिस भारत के लिए गायन भी है कि भारत कभी देवभूमि था, देवी देवताओं का निवास था, हर मानव खुशी में था, हर मन के अंदर आनंद था, जीवन सुखद था, फिर संबंधों में बहुत मधुरता थी, भाईचारा था, एक भाषा एक धर्म एक की बात चलती थी, ऐसा विश्व था। तो पूरे विश्व को परिवर्तन करना, उसके लिए शिव पिता परमात्मा जिसे हम ईश्वर अल्लाह गॉड वाहे गुरु कह के उनका स्मरण करते हैं, उनका कहना है, आदेश है कि हे आत्माओं अब अपने आप को जानो, हम सब आत्मे अपने साथ अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी लेके चलेंगे जिससे हमारा जीवन सुखद हो सकेगा। तो शिव पिता परमात्मा ये राजयोग सिखा रहे हैं, युक्ति सिखा रहे हैं कि हमारे मन के अंदर सबों के प्रति, छोटा हो बड़ा हो, अड़ोस पड़ोस का व्यक्ति हो, ऑफिस दायरा हो, लेकिन सबके प्रति हमारी भावनाएं निष्पक्ष हों, ईर्ष्या द्वेष से रहित हों। इस तरह की भावनाएं जब अपने को आत्मा समझ के और शिव पिता को याद करेंगे तो हमारा तन मन धन सभी कुछ स्वच्छ होगा। कहा भी गया है, राम सिमर प्रभात मेरे मन, सिमर सिमर सुख पाओ और तन मन के कष्ट क्लेश मिटाओ, ये सत्यता है। जितना सिमरन अच्छा होगा प्रभु पिता के साथ जुटा होगा लिंक हमारे मन का, और हम जितना अच्छे से चिंतन करेंगे, पॉजिटिव विचारों में रहेंगे, हमारा खान पान स्वच्छ होगा तो सब कुछ स्वच्छ हो जाएगा और ये भारत फिर से देवभूमि बनेगा जिसे हम स्वर्ग पैराडाइज हेवन के नाम से अब भी याद करते हैं। तो फिर से इस भारत को ऐसा बनाने के लिए श्री पिता परमात्मा हम सब आत्माओं को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं हमारा व्यवहार सबके प्रति कितना सुंदर हो, सुखद हो, जिससे कि पूरा विश्व एक सोने की चिड़िया बन जाएगा, फिर से लहलहाता हुआ ये विश्व होगा, हर नर नारी का मन बड़ा सुकून वाला होगा। ऐसा विश्व बनाने के लिए हम सब आत्माएं मिलकर के जब काम करेंगे, अपने मन को स्वच्छ बनाएंगे, तो इससे स्वच्छता फिर से इस भारत में आ जाएगी, भारत सुंदर, खूब सारा सुंदर महकता स्वच्छ नजर आने लगेगा। मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद उत्तरा दीदी, प्रेरणादायी शब्दों के लिए आपका कोटि कोटि आभार। हमारे नगर निगम के छोटे से नोटिस पे मार्केट वेलफेयर एसोसिएशंस के सदस्य यहाँ आए, मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी कमलजीत सिंह पंची, पंची जी का प्रेसिडेंट हैं जो सेक्टर 17 से, चरणजीत सिंह जी, संजीव चड्ढा जी, पुरुषोत्तम जी, राधेलाल जी, कि वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हुए। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाने जा रही हूँ हमारी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी एरिया काउंसलर श्री सौरभ जीशु, सौरभ जोशी जी को, कि वे मंच पर आएं और शब्दों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय और इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं उत्तरा दीदी का सबसे पहले और अनीता दीदी का धन्यवाद करता हूँ। अनीता दीदी से लगभग अब मेरा परिचय 10-12 साल हो गया है और दीदी ने हमेशा मुझे प्यार आशीर्वाद बहुत दिया है। 2011 में जब मैं पहली बार पार्षद बना था तो मात्र 29 वर्ष की आयु थी। इनके ही बताए रास्ते पे चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी समाज में जो काम कर रहा हूँ इनके उसी उस पर चल रहा हूँ। मंच पे विराजमान शहर की फर्स्ट सिटीजन मेरी बहन सरबजीत कौर मेयर, और खुशी की बात है कि चंडीगढ़ में जो पहली फुल फ्लेश्ड कमिश्नर लेडी बनकर जो आई हैं, ऐतिहासिक ये है हमारे लिए, वो है मैडम अनंदिता मित्रा जी।
डायनेमिक हैं, प्रोएक्टिव हैं। काफ़ी लंबा समय मैं इनके साथ काम करता आया हूँ, जो हमारे चंडीगढ़ के प्रशासन में भी रहे और आजकल कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर हैं श्री एनपी शर्मा जी, जो इस ब्रह्मकुमारी मिशन से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के जिनको बड़े शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया है, चिरंजीव जी हैं जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं, चड्डा साहब हैं, माफ़ी चाहूँगा मैं इनका परिचित नहीं, राधे लाल जी, और महाजन साहब भी आए थे, हाँ जी, बड़े बुज़ुर्ग हैं ये महाजन साहब, 30 सेक्टर में इनकी दुकान है शूज़ की, महाजन शूज़ की, और सामाजिक काम में बहुत अग्रसर रहते हैं, और उनके साथ बैठे हैं पंछी जी। सबसे पहले तो मैं तालियां आप लोगों के लिए चाहूँगा कि आप लोग इतनी धूप में जो बैठे हैं, मैं ये बात अभी चर्चा कमिश्नर मैम से कर रहा था कि आप देखिए ये सुबह 11 बजे से शुरू हुए हैं और हमें छत पर बैठाया और खुद वो धूप में बैठे, इसलिए आपको मैं साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। उत्तरा दीदी के जो विचार आपने सुने, तन मन जन की स्वच्छता, तन से, मन से, जन से, और ये अध्यात्म के रूप से जिस प्रकार आप स्वच्छता ब्रह्म कुमारी मिशन के थ्रू कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूं, क्योंकि ये मिशन का ही रूप देख रहे हैं कि इतनी धूप में बुजुर्ग माताएं, बहनें, छोटी बच्चियां और पीछे बुजुर्ग खड़े हैं प्ला कार्ड लेके, मुझे लगता नहीं कि उनकी उम्र कम से कम 60-70 से ऊपर होंगे, तो ये जो जज्बा नज़र आ रहा है ये मिशन को ही इसका मैं साधुवाद करूँगा। देखिए ये जो आज का कार्यक्रम रखा गया था, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये 2014 में शुरू किया था। ये क्यों शुरू किया गया ये स्वच्छता का, ये हमें सोचना चाहिए। आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, वो हॉलीवुड मूवीज में जब भी हमारे देश को दिखाया जाता है तो आपने देखा होगा क्या दिखाया जाता है उसमें, स्लम्स, गंदगी, मतलब भारत को दिखाने का हॉलीवुड का परिदृश्य क्या रहता है, गंदगी, स्लम्स, कि जैसे हम जो भारतीय हैं हम गंदगी पसंद करते हैं और हम गंदगी में रहना चाहते हैं। ये उनका दोष नहीं है मित्रों, ये उनका दोष नहीं है, ये हमारा दोष है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी सहभागिता से दूर भाग रहे हैं। मेरा जन्म इसी चंडीगढ़ में हुआ, मेरा पालन पोषण इसमें हुआ, आज जिस सतारा सेक्टर में मैं खड़ा हूं, यहां सतारा सेक्टर में बचपन की हमने यहां पर समय निकाला। मुझे याद है 1990 के दशक में ये चंडीगढ़ को एक अत्याधुनिक और विकसित और ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन को इनिशिएटिव लेके जब प्रधानमंत्री जी ने एक रेस शुरू की शहरों की, तो उन्होंने 2016 में सर्वेक्षण शुरू करवाया, स्वच्छता सर्वेक्षण, और वो 2016 से जब शुरू हुआ तो चंडीगढ़ का अंक धीरे धीरे स्वच्छता में ऊपर आ रहा था या नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था। हम इतने सुंदर चेहरे हैं यहाँ पर, चंडीगढ़ को एक बहुत सुंदर शहर माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये होगी कि स्वच्छ भारत मिशन जब नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया, जो शहर गंदगी के ढेरों में खड़े रहते थे, इंदौर शहर का नाम कोई नहीं जानता था, आज उस इंदौर शहर की चर्चा यहाँ चंडीगढ़ के शहर के निवासियों के बीच में हो रही है। ये चिंतन और मंथन करने की बात है। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, हमारे आगे और पीछे आगे सड़क है, हमें म्यूनिसिपैलिटी ने, मुझे नहीं लगता कि हमें इतने अच्छे यहां पर पार्क बना के दिए हैं। देखिए कितना अच्छा सेक्टर सतारा है, ये कितना सुंदर है, लेकिन हम जिस घर पे रहते हैं, जिसकी पीछे हमारे गली लगती है, क्या वो इतना सुंदर है? हम क्या करते हैं, हम सफाई अपने घर का कूड़ा, जब सफाई वाली जो हमारी मेड सर्वेंट या सर्वेंट जब हमारी वो सफाई करती है घर की, तो वो क्या करती है, सारा जो आपके घर का कूड़ा है वो कॉमन वॉल के जो आपका नेबर है उसके साथ रख देती है।
और हम फिर कहते हैं देखो कितनी गंदगी है। अब बताइए ये गंदगी कौन डाल रहा है? छोटा सा उदाहरण है कि अगर हम अपनी वो मेड सर्वेंट को ये कह दें कि लिफाफे में वो जो गंद कॉमन वॉल के वहां बाहर जो सड़क पे आप लगा रहे हैं वो उसको लिफाफे में डाल के अंदर गार्बेज बिन में डाल दीजिए, तो कितना आप सोचिए कि ये जो थोड़ा थोड़ा अगर हम सहभागिता देंगे उससे हमारा चंडीगढ़ शहर कितना सुंदर बन जाएगा। देखिए आज अध्यात्म के तौर पे आप बहुत स्वच्छ हैं, बस आप लोगों से आग्रह है कि आपकी जो जन चेतना है वो आगे बढ़े और आप एक एक जो ब्रह्म कुमारी मिशन के जो वॉलेंटियर्स हैं वो तकरीबन ये प्रण करें कि मैं अपने मोहल्ले की सफाई का खुद बीड़ा उठाऊंगा और मैं अपने मोहल्ले के लोगों को खुद जागरूक करूंगा। यही हमारी आपसे अपेक्षा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आपसे और कोई अपेक्षा नहीं है। ज़्यादा बात नहीं कहूँगा क्योंकि आप गर्मी में बैठे हैं, अभी मेयर मैडम ने भी आपसे प्लेच करवानी है, बस मैं इतना ही कहूँगा। आइए मिलकर अपने चंडीगढ़ शहर को जो हम कहते थे ग्रीन और क्लीन सिटी और नंबर वन सिटी, हम सब मिलकर बनाएं। इतना ही मुझे कहना था। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। स्वच्छता हर व्यक्ति की स्वयं तथा सामूहिक सहयोग द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेवारी है। इसी जिम्मेवारी को निभाने का आइए अब मिलकर प्रण लेते हैं। रिक्वेस्ट करूंगी मेयर मैम से कि वे सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की शपथ दिलाएं। पहले मैम बोलेंगे और फिर हम सब पीछे पीछे वो दोहराएंगे। कृपया अपने स्थानों से खड़े हो जाएं। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने शहर और पर्यावरण तथा अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगी और अन्य लोगों को भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं जब भी बाजार जाऊंगी साथ में कपड़े या जूट का थैला लेकर जाऊंगी। यह शहर मेरा सम्मान है और मैं अपने शहर को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान दूंगी। धन्यवाद। इसी के साथ बढ़ते हैं फेलिसिटेशन सेरेमनी की तरफ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेयर मैम से कि वो ऑनर करें आज के इस कार्यक्रम की शान उत्तरा दीदी जी को। जोरदार तालियां, मेयर मैम ऑनर करेंगे उत्तरा दीदी को। इसके बाद ऑनर करेंगे सीनियर राजयोग टीचर्स अनीता दीदी को। इनके बाद ऑनर करेंगे कविता दीदी को। 35 साल से ये लोग जुड़े हैं, सीनियर राजयोग टीचर्स हैं। इसके बाद ऑनर करेंगे नेहा दीदी को, जिनके प्रयासों से आज का ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। नेहा दीदी कृपया मंच पर आ जाएं। ब्रह्म कुमारी मिशन से भी ये ऑनर करना चाह रहे हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि महापौर श्रीमती सरबजीत कौर जी को।
इनके बाद ये ऑनर करना चाहेंगे कमिश्नर मैम आनंदिता मित्रा जी को। एरिया काउंसलर श्री सौरभ जोशी जी को, इनके बाद ऑनर करेंगे श्री एनपी शर्मा जी को, बाद ऑनर करेंगे हमारी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का, जिनका सहयोग हमें निरंतर मिलता जा रहा है और नगर निगम सलाम करता है मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को अपने सहयोग को देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए, जो अपना जरूरी वेबिनार छोड़कर भी हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहां आए। आज कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नम्र निवेदन है हमारी माननीय मुख्य अतिथि महापौर चंडीगढ़ श्रीमती सरबजीत कौर जी से कि वे आएं और हमें संदेश दें। जोरदार तालियां माननीय महापौर श्रीमती सरबजीत कौर जी। ओम शांति। मैं यहां मंच पर विराजमान सभी अतिथियों और अपनी ब्रह्म कुमारी बहनों और यहां सभी नागरिकों का इस कार्यक्रम के आयोजन पर धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छता का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इस विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में आंतरिक स्वच्छता यानी कि हमारा मन, हम अपने मन को लोभ मोह अहंकार जात पात ऊंच नीच ईर्ष्या के भाव से निकालकर इसे ऊंचा उठकर अपने मन को अगर स्वच्छ करके साफ करके एक अच्छे इंसान के तौर पर हम ही तभी समाज का विकास और मानवता का विकास कर सकते हैं। और उसके बाद आता है कि बाहरी स्वच्छता यानी हमारा घर आंगन और आस पड़ोस की स्वच्छता, उसमें कि हम अपने घर का जो कूड़ा कचरा है उसको इकट्ठा एक साथ ना देके सेग्रीगेट करके अलग अलग, सूखा अलग गीला अलग, और नैपकिन और जो सैनिटरी पैड्स हैं और हजार डस्ट है उसको अलग अलग करके दें। अगर हम उसको अलग करके नहीं देते हैं तो हमारे सफाई कर्मचारी खुद अपने हाथों से उनको अलग अलग करते हैं। अगर हम इसको अलग करके अपने घरों से देंगे तो शायद वो डंपिंग ग्राउंड जो अब इतना बड़ा बना हुआ है वो दोबारा नहीं बनेगा। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम अपने घर से जो कूड़ा है वो अलग अलग करके ही दें। और बस मैं इतना ही कहूँगी, आओ हम सब प्रतिज्ञा करें कि अंदर की स्वच्छता और बाहरी स्वच्छता का हम अपना पूरा पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद। आपकी सकारात्मक सोच को सलाम करते हुए
कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारी मिशन द्वारा प्रसाद का प्रबंध किया गया है। सभी से नम्र निवेदन है कि वो प्रसाद ग्रहण करके जाएं और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी डिग्निटरीज का, सभी आए हुए लोगों का, चंडीगढ़ वासियों का, ब्रह्मा कुमारी मिशन का संपूर्ण योगदान हमें मिलता रहा जिससे ये कार्यक्रम सफल हो पाया। आप सभी का कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नगर निगम का हम भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने भी यहाँ कार्यक्रम में हमें मदद किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बीके भाई बहने जो सुबह से आए हुए हैं 10:30 बजे से, आप सबके लिए पानी और जल के प्रबंध के साथ फल भी है, केले का प्रसाद आप सभी को बैठे बैठे मिल रहा है, सभी बैठे बैठे लेकर के ही। और फिर ध्यान रहे, अभी सारी बात चल रही थी कि आप कोई भी छिलका या पानी की बॉटल यहाँ वहाँ